सो वी आर गोना टॉक टूडे अबाउट वाई सेक्स एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। देखो अभी एक मूवी आई थी OMG 2, अगर तुम्हें पता हो तो। इंडिया का तो ये हाल है कि हमारे सेंसर बोर्ड ने उसके जो कुछ सीन्स थे जिससे शायद तक हमें कुछ वैल्यू हो सकती थी प्रोवाइड, कुछ पता चल सकता था, कुछ सेक्स एजुकेशन की बात हो सकती थी, पहली बार खुल के इंडिया में, पहले भी हुई है बट जिस हिसाब से सेंसर बोर्ड ने चीज़ें काटी है उस हिसाब से तो बात यही है कि कुछ ना कुछ तो होगा उसमें ऐसा जो ये है कि हाँ उनके हिसाब से सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ एजुकेशन दे देगा हम लोगों को, बट वो चीज़ें काट दी गई। हम जब बात करते हैं कि इंडिया में चीज़ें इतनी सही क्यों नहीं हैं, लोगों का रवैया जो चीज़ों के पीछे जितने मतलब क्राइम्स होते हैं वो इतने क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहले बात हम लोग जो चीज़ें उन पर बात ही नहीं करना चाहते। सेक्स एजुकेशन है, सेक्स है, इस नाम को सुन के हम ऐसे बाकी जैसे कोई हमने कोई भूत पिशाच डेमन जिनके बारे में कहानियों में बताया जाता है वो हमने देख लिया साक्षात। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जिस चीज़ से हम इस दुनिया में आए हैं सेक्स, उसके बारे में बात करने से भाई हो क्या जाएगा। यहाँ पे हम खुद अपने बच्चों से, खुद अपने दोस्तों से बिना झिझक, बिना इसमें गंदगी जोड़े बात नहीं कर पा रहे हैं, और हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा इंडिया एकदम आगे पहुँच जाएगा, हमारा इंडिया एकदम एजुकेटेड हो जाएगा चीज़ों से। हमें ये चीज़ पहले समझनी पड़ेगी कि जब तक हमारे स्कूल कॉलेजेस और हमारा जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारे दिमाग में वो गंदगी वो इतनी ही भरी हुई रहेगी जितनी अभी भरी हुई है। अभी दो दोस्त बैठ के उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्राइवेट प्रॉब्लम जिनको नाम दिया जाता है, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपस में दो बॉयज़ भी इस बात को शेयर करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि अगर मैंने इसको कोई बात बताई तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा। हालत तो यहाँ तक है कि अगर एक लड़का और एक लड़की अलग अलग है तो अगर वो साथ में है तो हमारे दिमाग में पहले ही उनके बारे में इतने गंदे गंदे ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने हमारी सेक्स एजुकेशन लेनी चाहिए थी कोई ढंग के बंदे से जिसको ज्ञान है, पर हमने वो शुरुआत की थी पोर्नोग्राफी से और ऐसी ऐसी फिल्मों से जिसके अंदर चीज़ें ही पूरी फेक दिखाई जाती है। और हम जब अपनी सेक्स एजुकेशन वहाँ से लेते हैं जहाँ पे सेक्स एजुकेशन नहीं, जहाँ पे तुम्हें चीज़ों को बेचा जाता है और तुम्हारा यूज़ लिया जाता है, तुम सेक्स एजुकेशन नहीं सीखते हो, तुम सीखते हो ऐसी ऐसी उम्मीदें अपने मन में लेके आना, ऐसी ऐसी उम्मीदें ढकना जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। और जब तुम इन्हीं फेक उम्मीदों को लेके अपने एक रिश्ते में जाते हो, रिलेशनशिप में जाते हो, तो तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब तो होगा ही, क्योंकि तुमने अपनी रियल लाइफ को पूरी फेक लाइफ से जोड़ लिया है जो कि कभी भी मीट होने वाला है नहीं। इतनी समझ ना तुम में है और ना तुम्हें कोई समझाने वाला है, और जो तुम्हारी उम्र के लोग हैं वो भी तुम्हारी तरह ही हैं, तो तुम जब उनसे भी बात करोगे तो तुम्हें नया कहाँ से सीखना मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर ये चेंज नहीं होती है तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलेंगे और हमारा माइंड कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। बात मैं मेरी खुद की करूँ तो मेरे को भी पहली बार ये जो चीज़ें होती है अभी सेक्स वगैरह इनका जो इनकाउंटर हुआ था वो एक जने ने ही करवाया था, वो भी पोर्न दिखा के। तुम सोच रहे हो जब मैंने, जो इंसान आज तुमसे ऐसे बात कर रहा है तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हुई है कि, पर फिर भी उसको सबसे पहले साक्षात्कार इस चीज़ के हुए थे एक जने से जिसको वो इतना जानता भी नहीं है, और उसने उसको ये चीज़ दिखाई और वो भी दिखाते हुए बड़े मतलब चौड़ में दिखा रहा है, बड़े कूल बन के दिखा रहा है, तो हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है सेक्स एजुकेशन में। और जब कोई फिल्म के माध्यम से बात आती है करने के लिए तो हमारा इंडिया पीछे ऐसे हो जाता है कि नहीं नहीं इसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। अरे भाई अगर उसमें भगवान का नाम भी आ रहा है, भगवान का नाम भी अगर जुड़ रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एट द एंड अगर भगवान होगा भी तुम्हारे हिसाब से तो यार उसने ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की होगी। चीज़ों में गंदगी तुम जोड़ते हो, चीज़ों में गंदगी तुम देखते हो, पर कोई भी चीज़ गंदी हो ही नहीं सकती है जहाँ से तुम आए हो। उनके बारे में एक अगर हम एजुकेटेड वे में, सटल वे में अगर बात करेंगे तो चीज़ें कभी गंदी हो ही नहीं सकती है। उसको गंदा बनाना, उसको सब कुछ बनाने का काम तुम ही करते हो। हालात यहाँ तक इसलिए ही पहुँच जाते हैं कि एक लड़का एक लड़की से खुल के बात इसलिए ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में लड़कियों को लेके एक अलग ही इमेज आ चुकी है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको ऐसे लग रहा है कि लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट है। उसने पोर्नोग्राफी में जो चीज़ें हैं देखी उसको ही वो अपनी मतलब रियलिटी मान चुका है। पोर्नोग्राफी से, अपने दोस्तों से उन्होंने उसको जो लड़कियों की इमेज होती है वही उन्होंने ऐसी बताई है कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, जिससे उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि
लड़कियाँ तो मेरे से बहुत ही अलग इंसान है, वो तो कोई एलियन है, वो तो कोई दूसरे ग्रह से आई है और मैं उनसे बैठ के बात नहीं कर पाऊँगा। तो जब ये उनके दिमाग में है चल रहा, तो वो कैसे एक इंसान समझ के उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे उनके साथ आगे जा पाएंगे, कैसे उनके साथ वो दोस्ती करेंगे और कैसे आगे रिश्ते में जाएंगे। फिर जो बॉयज होते हैं वो आके बोल तो देते हैं, उन गर्ल्स होती है वो आके बोल तो देते हैं कि हमको जो हमारा रिलेशनशिप था उसमें हमको धोखा मिल गया, हमको ये हो गया वो हो गया, पर उनको यही नहीं समझ में आता कि जो वो उन लोगों ने अभी टाइम स्पेंड किया था साथ में वो कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, बल्कि वो एक खेल ही था। क्योंकि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो अट्रैक्शन से हुई थी और अट्रैक्शन कभी ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पाएगा तुम्हारा किसी एक इंसान में, क्योंकि जिस तरीके से तुम पोर्न को देख रहे हो और अपने दोस्तों से जेंडर्स के बारे में सेक्सुअल चीज़ों के बारे में सुनते आ रहे हो, वैसी जो तुम्हारी इमेज है वो ऐसी हो चुकी है कि तुम अब हर चीज़ में सिर्फ आकर्षण, बॉडी, लुक्स और यही चीज़ें देखोगे और इनसे आगे तुम कोई भी चीज़ देख नहीं पाओगे। तुम कहाँ से समझोगे, कहाँ से सीखोगे जो इमोशंस होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, जो होता है रियल लव होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो एक बॉन्ड होता है असली, वो तुम कहाँ से कर पाओगे क्रिएट? जैसा मैं लड़कों से मतलब करता हूँ इंटरेक्ट, वैसे ही मेरे को उससे करना है। इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, जो भी डिफरेंस है वो मेरे दिमाग ने ही उसमें क्रिएट है किया, तो मैं उसको थोड़ा काम डाउन करता हूँ, सामने वाले के इमोशंस देखता हूँ, सामने वाले को समझने की कोशिश करता हूँ। ये सब वो भूल से जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें क्या उन्हें देनी है प्रायोरिटी, क्या नहीं देनी है, इस पर कभी बात होती ही नहीं है। और होगे भी कहाँ से, होगे भी किससे, जिनको उन्हें समझाना था, जो माँ बाप थे या फिर जो स्कूल्स थे, वो तो जैसे ही ये वाला चैप्टर आता है वैसे ही इसको या तो जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं या फिर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जब एक चैप्टर को जो इतना इम्पोर्टेंट था, जहाँ से और भी तुम उसमें कुछ जोड़ के उनको वैल्यू दे सकते थे, तो अलग से एक इस चीज़ की जो क्लास होती है उसके बारे में बात करने को तो हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये सोच पता नहीं कहाँ से आ गई, क्योंकि हमारे इंडिया कभी ऐसा था ही नहीं। कि अगर अभी भी तुम जाके हमारे इंडिया के पुराने जो टेंपल्स हैं, जो कल्चर रहा है यहाँ का, उसको जब तुम देखोगे तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरती से सेक्स एजुकेशन को समझाया भी गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से टीचर्स के थ्रू तुम्हें सिखाया भी गया है कि सेक्स क्या है क्या नहीं है, ऐसे मतलब इसको नॉर्मल चीज़ ही मानी है जिसको तुम बात कर सकते हो। इसमें कोई ये चीज़ नहीं बात नहीं कर सकते हो, जितने भी सेम जितनी भी जो चीज़ें इसके ऊपर जोड़ी गई है, जितनी भी गंदगी जो जोड़ी गई है वो तुम्हारे जो ये दिमाग है उसने ही जोड़ दिया, क्योंकि तुम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं बात करने से पहले। बॉयज़ के क्यों पैर कांपते हैं, गर्ल्स जो है वो खुद को बॉयज़ से अलग क्यों मानती है, तो इसका मेन रीज़न यही है कि उन्हें बैठ के ये समझाया ही नहीं गया कि दोनों एक दूसरे को जेंडर अलग अलग मानना छोड़ दो, सेक्स एजुकेशन सेक्स एक नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल रखो, पर इनके भी अलावा तुम बहुत कुछ हो, सामने वाला बॉय और गर्ल दोनों ही एक इंसान है, दूसरे जो भी तुम्हारे पहलू है उसको भी तुम समझो, इतनी एजुकेशन कभी की नहीं गई। और तुम दोनों भी बैठ के सेक्स एजुकेशन पे बात कर सकते हो, जब इतना उनको खुलने ही नहीं दिया गया है तो वो कैसे जो उनका है ये वाला वहम है, ये जो है भ्रम कि ये चीज़ें गंदी नहीं है, हम बात कर सकते हैं, सामने वाला जेंडर में एक ही है, ये फीलिंग उन्हें कैसे आएगी। धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में खुद सबसे पहले जानना स्टार्ट करो, जितना इस चीज़ों को नॉर्मल मानोगे उतना ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। गंदगी जो भी है तुम्हारे दिमाग में है, कैसे तुम्हें बात करनी कैसे तुम्हें बात है नहीं करनी, उसके ऊपर अपन बातें करते रहेंगे। बट ये है कि जितना तुम्हारे पास ज्ञान होगा, जितना तुम इनके इन चीज़ों के बारे में जानोगे, उतना ही तुम एक मच एजुकेटेड इंसान होते जाओगे और फिर जो जितने भी तुम्हें आकर्षण होती है, जो भी तुम पोर्न देख रहे हो, जो भी तुम्हारी फेक उम्मीदें हैं अभी कि मेरे को पार्टनर ऐसा चाहिए, मेरे को पार्टनर ऐसा चाहिए, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, जो तुम्हारे 24 घंटे ऐसे ऐसे मतलब गंदे गंदे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सेक्स 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 पोर्न घूमता होता है, वो सब दूर हो जाएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि ये भी एक हमारा पार्ट है और ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसे हम गंदा खुद कर रहे हैं या ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोज हैं बना के रखी कि हम सिर्फ अपने शरीर तक ही लिमिटेड क्यों हो जाते हैं। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी कुछ बात की और कुछ बात अपन आगे भी करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, पर मिलता हूँ मैं वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।